पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबर पक्की में आपका स्वागत है। खबर पक्की में आज हम तीसरी पारी शुरू करने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी पारी शुरू करने के बाद आज पहली बार बिहार यात्रा पर पहुंचे। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का पीएम ने उद्घाटन किया और बौद्ध विरासत को भारत के सॉफ्ट पावर के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा का इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि कोई किताबों को भले ही जला दे, लेकिन आग की लपटों में ज्ञान को नहीं जलाया जा सकता। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 21 मिनट 21 सेकंड का भाषण दिया। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले नालंदा के खंडहर का जायजा लिया, फिर नए परिसर का उद्घाटन किया और इसे प्राचीन अवशेष के सामने नालंदा का नवजागरण करार दिया। इसी के साथ पीएम ने एक बड़ी बात कही जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आप देखिए, जब भारत कहता है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है। जब भारत कहता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो विश्व उसके भविष्य की दिशा मानता है। जब भारत कहता है वन अर्थ वन हेल्थ, तो विश्व उसे सम्मान देता है, स्वीकार करता है। नालंदा की ये धरती विश्व बंधुत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आखिर नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस से इस संदेश का देश के लिए क्या महत्व है? ऐसे कई आधार और कारण हैं जिनके चलते बौद्ध धर्म भारत की सांस्कृतिक ताकत बनकर उभरता है। पहला कारण, बौद्ध धर्म की जड़ें भारत में मौजूद हैं। दूसरा कारण, नालंदा बोधगया और सारनाथ जैसे बौद्ध स्थल भारत में ही हैं। तीसरा कारण, बौद्ध धर्म से जुड़ा बड़ा नाम तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा भारत में ही रहते हैं। और चौथा कारण, बौद्ध धर्म वो कड़ी है जो एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट जैसी नीतियों में भारत के लिए मददगार साबित होता है। हमने पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार से पूछा कि भारत के सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी के लिहाज से बौद्ध धर्म और संस्कृति क्यों अहम है। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत मायनों से वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो बुद्ध की विरासत जो है वो भारत ने पूरी दुनिया में दी है। वो विरासत क्या है? वो विरासत है शांति की, और भारत हमेशा से शांति की बात करता है। और ये इसको जो बुद्ध नीति है, इसको हमें पूरी दुनिया में अपनी एक धरोहर विरासत के रूप में हमको इसे उजागर करना, ये हमसे सबसे बड़ी हमारी ये सॉफ्ट पावर है। संयोग देखिए कि नालंदा के बौद्ध वैभव के रूप में भारत के अतीत का पुनर्जागरण ऐसे वक्त में हो रहा है जब बौद्ध आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात के लिए अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी भारत में है।
सात सांसदों का दल मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचा और तिब्बत की निर्वासित संसद का दौरा करके दलाई लामा से मिला, तो स्वाभाविक तौर पर चीन का रक्तचाप बढ़ने लगा। तो चीन इस बात से परेशान है कि अमेरिका जो कदम उठा रहा है वो कहीं चीन की साख को धक्का ना पहुंचा दे। वैसे भारत की सांस्कृतिक और कूटनीतिक ताकत भारत की छवि को तो मजबूत बनाती ही है, लेकिन यही बात सीमा पार कुछ देशों को टेंशन में डाल देती है। ध्यान देने की बात यह है कि मोदी सरकार की तीसरी पारी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का जिम्मा जिन किरण रिजिजू के पास है वो खुद बौद्ध धर्म से आते हैं। लुम्बिनी में सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन बौद्ध गया में वो बोध प्राप्त करके भगवान बुद्ध बने और इसी दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। एक ही तिथि, एक ही वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा के ये पड़ाव केवल संयोग मात्र नहीं था। भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ भगवान बुद्ध का जुड़ाव केवल एक संयोग मात्र नहीं है, इन देशों की विरासत साझा है। जाहिर है इनका वर्तमान भी आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं संबंधों को देश हित और पड़ोसी प्रथम की नीति के साथ जोड़ना चाहते हैं। अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर की 97% बौद्ध आबादी एशिया में रहती है। इनमें भी भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश बौद्ध धर्म को अपनी पहचान का मूल आधार मानते हैं। जाहिर है इन देशों के साथ कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सामरिक संबंध तय करने में बौद्ध धर्म का अतीत अहम भूमिका निभाता है। इस मोर्चे पर स्वाभाविक रूप से भारत एक महत्वपूर्ण जगह पर खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करते हुए दुनिया को यही संदेश दिया, जैसे भारत पहले विद्या का केंद्र था, फिर एक बार उसी भूमिका में नजर आ रहा है। दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाले समय में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर एक बार हमारे कल्चरल एक्सचेंज का प्रमुख सेंटर बनेगी। यहां भारत और साउथ ईस्ट एशियन देशों के आर्ट वर्क के डॉक्यूमेंटेशन का काफी काम हो रहा है। यहां कॉमन आर्काइवल रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना भी की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में भी काम कर रही है।
पिछले वर्ष मार्च में भारत ने बौद्ध धर्म से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की भी मेजबानी की थी। ऐसे आयोजन न केवल सांस्कृतिक बल्कि राजनीतिक तौर पर भी भारत की साख को मजबूत करते हैं। किसको करना है? NDTV इंडिया की रिपोर्ट। क्या करना है इसका मार्ग अपने आप दिखने लगता है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के आगे देखिए आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की इमारत में है क्या खास बातें। के बाद आपका स्वागत है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, उसी से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ की और उम्मीद जताई कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में फिर एक बार भारत का पुराना गौरव लौटाएगा। PM ने यह भी कहा कि 21वीं सदी अगर एशिया की सदी है तो इसमें भारत का प्रयास बड़ी भूमिका निभाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा के इतिहास को भारत के भविष्य का स्तंभ बताया। अपने 21 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने 29 बार नालंदा का नाम लिया। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। PM मोदी ने कहा कि एक ऐसे समय में जब 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, नालंदा से जुड़ा प्रयास नई प्रगति में मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो वाटर और नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। PM ने यह भी बताया कि भारत में अब उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पहले के मुकाबले बेहतर हो गई है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे, 13। अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय को देश के गौरव से जोड़ते हुए कहा कि ज्ञान को कभी कोई जला नहीं सकता। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। इतिहास के मुताबिक वर्ष 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करके वहां के पुस्तकालय में रखी किताबों को आग लगवा दी थी। कहते हैं कि लाइब्रेरी कई सप्ताह तक जलती रही। कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।
और अब वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। आज की तस्वीर कश्मीर से है जो भीषण गर्मी में भारी राहत देती है। और अब एक सवाल आपके लिए, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भी भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया ने हमें और अकेला कर दिया है? तो बस स्कैन करिए और QR कोड और अपना जवाब भेज दीजिए। तो बुलेटिन में इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।